नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। आप सभी को बता दें, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज को लेकर बहुत चर्चाएं थी, क्योंकि रोहित शर्मा की कप्तानी में ओवरसीज मैदानों पर यानी कि विदेशी मैदानों पर पहली सीरीज साबित हो रही। इससे पहले साउथ अफ्रीका सीरीज और तमाम सीरीज खेली गई, लेकिन रोहित शर्मा इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं थे। कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा ने सीरीज को फ्रंट से लीड किया, लेकिन सबकी नजरें विराट कोहली पर भी थी। विराट कोहली ने यह कहते हुए कप्तानी छोड़ी थी कि वो बल्ले से कमाल नहीं दिखा पा रहे, उनको थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करने की जरूरत है, और इसीलिए कप्तानी से स्टेप डाउन करा टेस्ट, टी20 और ओडीआई तीनों फॉर्मेट से। अब यहाँ पर देखना दिलचस्प है कि जो ओडीआई सीरीज चल रही है, ये सीरीज अभी 2 की बराबरी पर, यहाँ पर 1-1 की बराबरी पर खड़ी हुई है। 3 मैचों की सीरीज है। अगला मुकाबला 17 जुलाई को होना है, 3:30 पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आप लाइव देख ही सकेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, किस प्लेइंग 11 के साथ भारतीय टीम उतरने वाली है। आपको बता दें, ये कहा गया था कि जो पिछले मुकाबले विराट कोहली को जगह दी गई, वहां पर सुरेश अय्यर को बाहर बिठाया गया था। सुरेश अय्यर बल्कि यहाँ पर अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं और विराट कोहली से ज्यादा ही रन बनाते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबका यह भी कहना है कि अगर विराट कोहली फॉर्म में आए तो बाकी सारे खिलाड़ियों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अकेले भी कमाल कर सकते हैं। ये कमाल हम पहले भी देख चुके हैं। अब बात आती है प्लेइंग 11 की, तो क्या विराट कोहली की भी यहाँ पर एंट्री रहेगी और क्या सुरेश अय्यर को भी वापस लाया जा सकता है, सवाल ये बनता है। इस सवाल का जवाब आपको दें तो शायद नहीं, क्योंकि भारतीय टीम इसी प्लेइंग 11 के साथ जाना पसंद करेगी और वो चाहेगी कि उनके सभी खिलाड़ी जो अभी तक प्रदर्शन करते आए उसमें सुधार करते नजर आए। जो 20-30 रनों की पारी हो रही है उसको आगे बड़ी पारियों में तब्दील करें। कोच राहुल द्रविड़ ने भी सबसे पहली बात यही कही थी कि छोटी छोटी पारियों से असर नहीं पड़ेगा, ये वनडे फॉर्मेट है, टी20 फॉर्मेट नहीं। आप सोचो कि कम गेंद में ज्यादा रन बना के चले जाओ, तो वो चीज यहाँ पर लागू नहीं होती है। आपको रन करने होंगे और ज्यादा रन करने होंगे। मिडिल ऑर्डर को भी काम करना होगा, तो टेल एंडर को भी सही समय आने पर यहाँ पर काम करना होगा। गेंदबाजों ने अभी तक निराश नहीं करा है। तो मैनचेस्टर के मैदान पर भारतीय टीम की सेम प्लेइंग 11 हो सकती है, जहां रोहित धवन की ओपनिंग, नंबर 3 विराट कोहली, नंबर 4 की बात करें सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, फिर ऋषभ पंत, उसके बाद यहां पर जडेजा तो देखने को मिलेंगे ही, और गेंदबाजी में बुमराह, शमी और यहां पर चहल की और प्रसिद्ध कृष्णा की यहां पर जोड़ी रहने वाली है। न्यूजीलैंड, यहां पर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड पिछला मुकाबला जीती ही थी, तो विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ उतर सकती है। देखना यही दिलचस्प है कि इस मुकाबले को कौन जीतता है। अगर जो जीतेगा सीरीज उसके नाम हो जाएगी, और अगर भारतीय टीम सीरीज हारती है तो रोहित शर्मा की कप्तानी में ये पहली सीरीज होगी जो गंवाते नजर आएंगे। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।